देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पेज नंबर 507। ये क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस वायर के मिड पॉइंट से यहाँ पर करंट डील कर रहा है, मिड पॉइंट से ही लीव कर रहा है, ध्यान दीजिए। तो कैसे इसको हम लोग समझेंगे, थोड़ा देखिए। इसको मान लिया अगर 2x करंट आ रहा है तो x और x बटेगा, तो जब x तो यहाँ x पहुंचेगा भी। अगर मान लिया जाए यहाँ पर y है तो यहाँ x माइनस वाई है, फिर देखिए ध्यान से यहाँ पर ये y है तो ये x माइनस वाई है। तो देखिए ध्यान देना है आपको किर्चॉफ्स करेंट लॉ, किर्चॉफ्स करेंट लॉ के आधार पर जितना जाएगा उतना आएगा। देखिए तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये वायर से यहाँ पर यहाँ पहुंच जाएगा और ये आप देख सकते हैं यहाँ भी वाई है, इसी के सिमेट्रिकल हो जाए तो एक्स माइनस वाई हो गया। तो देखिए ये आपका डायरेक्ट चलाएगा यहाँ पर का पीडी, देखिए सेम हो जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये करेंट नहीं जा पाएगा, ध्यान दीजिए जाके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने कट कर दिया है जो दोनों का पॉइंट पीडी सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो ये वायर से करेंट नहीं जाएगा। और इसको ध्यान देना होगा ऐसे प्रॉब्लम को, तो देखिए आपका ये कट जाएगा, ये हट गया। तो अब देखिए आप आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे, देखिए ये वायर हो गया, ये वायर हो गया, ये देखिए यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका कितना है, मान लीजिए सब का आर है, देखिए ये आपका आर बाई टू है, चूंकि पूरे आर है वायर, तो ये हो जाएगा आपका आर बाई टू। एक को आर मानेंगे तो आर बाई टू, चूंकि मिड पॉइंट से इसको टच किया गया है। ये देखिए आपका कितना हो गया आर हो गया, ये आपका कितना हो गया आर, ये हो गया आपका आर, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आपका आर बाई टू, ये हो जाएगा आर बाई टू, ये होगा आर, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आपका आर, ये भी हो जाएगा आर। देखिए आप आराम से इसको कर सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये हो गया टू आर और ये भी हो गया टू आर, दोनों पैरेलल में है, देखिए दोनों का पॉइंट यहाँ पर। तो टू आर का कितना होगा आर हो जाएगा, इस फिगर को आप उतार ले तो क्या हो जाएगा टू आर हो जाएगा, वीडियो को रोक के आप उतार दीजिएगा, ये होगा आपका आर हो जाएगा। फिर यहाँ भी वही हाल है, तो इधर भी आर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये आर। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, देखिए आर सीरीज में है तो ये 2R हो गया, R by 2R by 2R और R 2R, और फिर इधर कितना हो गया 2R हो गया, तो यहाँ से हम लोग इसको हटा देंगे, दोनों तरफ कितना हो गया 2R हो गया, और इस पॉइंट से हिलाइए, ये हो गया आपका 2R 2R, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा 2R by 2, तो ये हो जाएगा R आंसर। इस तरफ ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा KCL का यूज कर करके और देख लीजिए वहाँ पर पीडी जितना आ रहा है उतना लीव करना चाहिए, उसके आधार पर आप जो पोटेंशियल पॉइंट है उसको पकड़ सकते हैं और ये फिर क्वेश्चन इजी हो जाता है। ऐसे हम बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके सामने, तो इसको लाइक शेयर करते रहिए, जितना यूज कीजिएगा उतना ही हम लोग बनाएंगे वीडियो, और जो भी जैसा क्वेश्चन आपको लगे, जैसा पढ़ाई आपको चाहिए, कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वैसा ही वीडियो आपको बना के देंगे। लेकिन शेयर जरूर कीजिए, एक बच्चा देखिए तो एक बच्चा जरूर शेयर कीजिए, तभी जा करके हो पाएगा ये।